वेलकम टू वीएल मेमोरियल स्कूल। दिस चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अरुण सर फ्रॉम वीएल मेमोरियल स्कूल। वीएल मेमोरियल स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आई विल टीच यू साइंस, मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगा। ये बुक क्लास सेवन की साइंस की बुक है, जिसमें सेवन यूनिट्स हैं, टोटल 18 लेसन्स हैं। फर्स्ट लेसन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। पहला चैप्टर है पौधों में पोषण, पौधा पोषण कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। इस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी टू परफॉर्म बेसिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। हम जानते सभी जीवों को कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले एनर्जी की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, पौधे भी क्या है, जीवित प्राणी है। डे टू परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज, ये भी कई एक्टिविटीज क्रियाकलाप करते रहते हैं। दे ऑल्सो नीड एनर्जी, इनको भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। हैव यू सीन एनी प्लांट्स सीकिंग फूड, क्या तुमने किसी भोजन पौधे को भोजन करते हुए देखा है। देन हाउ डू इट दे आफ्टर एनर्जी, कैसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। कम लेट अस लर्न हाउ टू प्लांट गेट देयर फूड और न्यूट्रिशन। आइए हम देखते हैं कि भोजन पौधे कैसे भोजन करते हैं और अपना पोषण कैसे करते हैं। फर्स्ट आप पहला क्वेश्चन टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पोषण, इसमें पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूट्रिशन। पोषण क्या है, आंसर इसका होगा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। भोजन का संग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। जो हम भोजन करते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, पोषण, जिससे हमारा पोषण होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आर कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स न्यूट्रिएंट, व्हिच इज सब्सटेंस दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। न्यूट्रिएंट शब्द न्यूट्रिएंट से बना हुआ है। द बेसिक न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स मिनरल्स विटामिन वाटर एंड रफ। पौधों के लिए सबसे बेसिक चीज जो है न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के ढंग या तरीके। न्यूट्रिशन मोड, पोषण के ढंग या तरीके। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड्स इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, सभी जीवों के लिए भोजन प्राथमिक सोर्स है ऊर्जा का। देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड्स बेस्ड ऑन द फूड हैबिट। सभी जीव अपने आदतों के हिसाब से अपना भोजन करते हैं। द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, जीवों के भोजन करने के तरीके पर न्यूट्रिशन को दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण, एंड दूसरा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परपोषी, जो दूसरे पर दूसरे के सहारे अपना पोषण करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
आइए देखते हैं हम लोग आपका टॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो जीव अपना भोजन स्वयं अकार्बनिक रसायनों के द्वारा कर बना लेते हैं ऐसे जीव को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसे पोषण को जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अपना पोषण स्वयं करते हैं किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन्हें बोलते हैं स्वपोषी पोषण जो खुद करते हैं। जैसे द ऑर्गेनिज्म विच मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस प्रेजेंट द एनवायरमेंटल आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और इनको जो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं इनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जो स्व ऑटोट्रॉप्स आर कॉल्ड प्रोड्यूस ऑफ फूड सो दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर। और इनको उत्पाद स्वयं उपभोक्ता बोला जाता है जो खुद अपना भोजन बना लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जो हरे पौधे होते हैं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं इसलिए हरे पौधों को ऑटोट्रॉफिक प्रोडक्ट बोला जाता है स्वपोषी बोला जाता है क्योंकि अपना स्वयं भोजन करते हैं। अब आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिएशन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर देयर फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं या दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं ऐसे पोषण को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन बोलते हैं जिसको हिंदी में बोला जाता है परपोषी यानी दूसरे पर निर्भर रहना। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन एनिमल्स एंड ह्यूमंस डू नॉट मेक देयर फूड्स। जानवर और इंसान अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं ये अपने पोषण के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। देयर ऑल एनिमल एंड ह्यूमंस आर हेटरोट्रॉपिक्स। जितने मनुष्य और जानवर हैं सब हेटरोट्रॉपिक्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फूड्स दे इट्स हेटरोट्रॉपिक कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप्स। अपने भोजन के आधार पे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के आधार पे एनिमल्स और मानव तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला हर्बीवोरस शाकाहारी जो शाकाहारी कार्निवोरस मांसाहारी ओमनिवोरस सर्वोहारी जो सब कुछ खाते हैं। चलिए आगे आगे का लेक्चर हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तब तक।